हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ चुका हूँ फिर से एक और धमाकेदार वीडियो। आज का वाला वीडियो बहुत ही कमाल का भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में हम अपनी आरपी को हाइड कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो एयरप्लेन पर हमारी आरपी आती है उसे हम हाइड कर सकते हैं। तो गाइज किस तरीके से हम अपनी आरपी को हाइड कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। तो गाइज सबसे पहले इस तीर पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें सेटिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, इस पे क्लिक कर देना है। तो हमारी बेसिक सेटिंग इस तरीके से ओपन हो जाएगी। हमें नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ हम जैसे ही जाएंगे तो गाइज यहाँ पे हमें रॉयल पास इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पे ये अनेबल होगा, तो यहाँ से हमें डिसेबल कर देना है। हम जैसे ही डिसेबल कर देंगे तो जो हमारा आरपी लोगो है वो यहाँ से हाइड हो जाएगा। तो मैं आपको जैसे दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो आरपी लोगो है वो हाइड हो चुका है। अगर हम इसको अनेबल कर देंगे तो मैं आपको अनेबल करके भी दिखाने वाला हूँ। तो गाइज यहाँ से मैंने अनेबल कर दिया है। अनेबल के बाद मैं जैसे ही बैक करूँगा और हमारा जो आरपी लोगो है वो यहाँ पे आ चुका है। यानी कि अगर आप भी अपने आरपी लोगों को हाइड करना चाहते हो तो गाइज इसी तरीके से आप भी हाइड कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।